दिखता तो है नहीं, क्या भगवान काम कर रहे हैं इस समय, इसी समय जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, क्या भगवान का काम चल रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णाज माइंड गीता में। कृष्ण ने अर्जुन को जो कुछ भी सिखाया है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले जनरेशन्स को हर स्कूल में, हर कॉलेज में इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए जैसे हम उसको मैथ सिखाते हैं, हिंदी सिखाते हैं। लेकिन खाली शब्द नहीं सिखाना है, गहरे मतलब सिखाने हैं। और खाली गहरे मतलब नहीं सिखाने हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिखाया जा रहा है, जिसमें कि हम बच्चों को चाहते हैं वो थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी करें। इसलिए मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ जो भी ज़ुनोगा ज्वाइन करता है कि आपको केवल प्रैक्टिसेस नहीं करना है। आप में से बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैं ज़ुनोगा ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसमें मुझे क्या क्या मेडिटेशन सिखाएंगे? तो मैं उनसे कहता हूँ पहले आप थियरी सीखिए। और जो लोग केवल थियरी जानते हैं, अगर वो प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि आप फिजिक्स के लॉज तो जानते हैं लेकिन आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते या कभी इंजीनियर नहीं बन सकते। ठीक ऐसे ही कृष्ण माइंड के साइंटिस्ट हैं, कहना चाहिए इस ब्रह्मांड के साइंटिस्ट हैं। उनको गॉड की तरह नहीं देखना है, अगर गॉड की तरह देखेंगे तो तुरंत हम उनसे भीख मांगना शुरू कर देंगे। और एक भिखारी हमेशा भिखारी रहता है, चाहे वो भगवान से क्यों ना भीख मांगता है। चैप्टर 3 योगा ऑफ एक्शन, ये मैं छोटी सी टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुत पहले गीता ले आया था, 22nd श्लोक है। कृष्ण कह रहे हैं, ओ सन ऑफ पार्थ, दो देयर इज नो वर्क दैट आई नीड टू कंप्लीट इन ऑल द 3 वर्ल्ड्स, आई स्टिल डू माय ड्यूटीज। ऐसे नहीं हमारे गांव में बोलते हैं, अरे गुलाब के बेटे, मेरे पिताजी का नाम गुलाब है तो गांव में बोलते हैं गुलाब के बेटे। ऐसे ही अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं, पार्थ के बेटे, ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो मेरे लिए करना मजबूरी हो, लेकिन फिर भी मैं सारे काम करता हूँ। दिखता तो है नहीं, क्या भगवान काम कर रहे हैं इस समय, इसी समय जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, क्या भगवान का काम चल रहा है? अगर आपको समझ में आता है वो क्या काम करें तो लिखिए, और अगर ये लगता है कि भगवान कुछ नहीं करें तो भी कमेंट करके लिखिए और लाइक दबा दीजिएगा। काम कर रहे हैं भगवान इस समय, जो आपका दिल का धड़कन है, हार्ट की बीट है, वो भगवान ही काम कर रहे हैं। ज़ुनोगा में हम लोग बोलते हैं हमारा ब्रेन, ये ब्रेन है, इसमें माइंड इसके चारों तरफ होता है, ये है ब्रेन और इसके चारों तरफ होता है माइंड, और इसके भी आगे होता है, एडवांस सेक्शंस होते हैं माइंड के, लेकिन इस माइंड और ब्रेन के बीच में एक पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 2A। ज़ुनोगा में 2A का काम है फिजिकल बॉडी को मैनेज करना, शरीर को चलाना, सांस लेना, खाना पचाना, खून बनाना, बीमारी से लड़ाई करना, इस तरह के ढेर सारे काम है सेक्शन 2A का। लेकिन वो कौन करता है? खाली ब्रेन नहीं करता है, ब्रेन डिवाइन फ्रैगमेंट या आत्मन की प्रेजेंस में करता है। जिस शरीर में से आत्मन या गॉड जो हमारे अंदर में है, वो एलिमेंट जो कभी पैदा नहीं होता, जो कभी नहीं मरता है, जैसे ही वो एलिमेंट ख़त्म हो जाता है, हमारा शरीर भी ख़त्म हो जाता है। अभी इस थियरी को मान के चलिए, एक हाइपोथेसिस की तरह मान के चलिए, जैसे साइंटिस्ट ढेर सारे हाइपोथेसिस बनाते हैं, बाद में उन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से प्रूव करते हैं, ऐसे ही ये आत्मन की वजह से ही हमारी बॉडी चलती है। नहीं तो करोड़ों अरबों सेल्स को मैनेज करने वाला कौन है? तब सवाल ये उठता है कि भगवान ये दुनिया को क्यों नहीं मैनेज कर रहे हैं? वो भी कर रहे हैं। पंच महाभूत जानते हैं, 5 एलिमेंट, आकाश, वायु, अग्नि, धरती और पानी। इनका नेचर समझते हैं? स्पेस का नेचर, कुछ भी कर ले, हवा स्पेस के अंदर घुस नहीं सकती, स्पेस हवा में घुस सकता है। नहीं समझ में आया? आग का, धरती का, पानी का, इन सब का अपना अपना नेचर है। कहते हैं ये ब्रह्मांड के फोर्सेस हैं। इन फोर्सेस के नियम कैसे बने हैं? साइंटिस्ट कहते हैं ये अपने आप बना है, लेकिन इसको मैनेज करने वाला कौन है? भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ है, भगवान इसके अलावा 3 दुनिया और है, फिजिकल वर्ल्ड और उसके चारों तरफ मॉलिकुलर वर्ल्ड और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। मॉलिकुलर वर्ल्ड वो है जहाँ पर हम लोग सोने के बाद जाते हैं, और इन दोनों के बाहर है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, मॉलिकुलर वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड, इन तीनों में भगवान इसको मेंटेन करने का काम करते हैं, इसको एग्जिस्ट कराने का, इसको रहने का, इसका होने का काम करते हैं। अब ये जो 5 एलिमेंट हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड के, इस धरती के एलिमेंट्स हैं। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, लेकिन ये 5 तत्व यहाँ पर सब जगह पर हैं, फिर भी शरीर नहीं बन जाता है। किसी इंसान के शरीर के अंदर में, किसी इंसान के शरीर को बनने के लिए सबसे पहले उसको चाहिए डिवाइन फ्रैगमेंट,
या तो आत्मन, यही भगवान कह रहे हैं कि मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं काम करता हूँ। फिर आगे कहते हैं, इफ आई फेल टू एंगेज माई सेल्फ इन प्रॉपर एक्शन विथ ग्रेट केयर, दो तीन चीजें हैं इसमें। ओ पार्थ, पीपल विल फॉलो माई फुटस्टेप्स एंड एक्ट लाइक मी। अगर मैं अपने काम को सही तरीके से नहीं करता हूं और बहुत ध्यान से, ग्रेट केयर से, पूरी की पूरी दुनिया मेरे ही पदचिन्हों पे चलेगी, तो भगवान क्या करते हैं, वो आलसी नहीं होते। क्या प्रूफ है कि वो आलसी नहीं होते? नेचर, हमारे आसपास का नेचर। मैं कहीं और किसी और चीज़ को देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मंदिर मस्जिद में जाकर के भगवान को खोजने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके आसपास की प्रकृति में, पेड़ पौधों में, सूरज में, धरती में, आकाश में, इनके नेचर को देखिए। इनका नेचर अनंत काल से अनंत काल तक एज इट इज़ मेंटेन रहता है, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं मैं अपना काम करता हूँ और बहुत ही केयरफुली करता हूँ, बिल्कुल मिस नहीं करता हूँ एक भी दिन की छुट्टी। अगर कोई भगवान है और इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है, नेचर के फोर्सेस को मैनेज कर रहा है, तो एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेता। इसलिए किसी दिन अगर आपको ये एहसास होता है कि मुझे एनलाइटेंड होना है, तो जो प्रैक्टिसेस आप करेंगे उसमें एक भी दिन की छुट्टी नहीं अलाउड होगी। फिलहाल आप सीख रहे हैं इसलिए आपको छुट्टी अलाउड है। जैसे छोटे बच्चों को, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि गीता हर घर में हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट्स लिख करके मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या समझ में आया, किस तरह की वीडियोज़ आप पसंद करते हैं। थैंक यू।